जुमे का दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन गुसल करे और खूब अच्छी तरह से पाकी हासिल करे और तेल इस्तेमाल करे या घर में जो खुशबू मुयस्सर हो इस्तेमाल करे, फिर नमाज़े जुमा के लिए निकले और मस्जिद में पहुंचकर दो आदमियों के दरमियान ना घुसे, फिर जितनी हो सके नफल नमाज पढ़े और जब इमाम खुतबा शुरू करे तो खामोश सुनता रहे, तो उसके उस जुमा से लेकर दूसरे जुमे तक सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह उसके चेहरे को तरोताजा रखे जो हदीसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने और आगे